नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बुक यू शीट 9 पे। तो जी हाँ, मैं आज फिर से एक बहुत बड़ी खबर लेके आपके सामने आ चुका हूँ। खबर क्या है आपको सबको मालूम ही हो चुका होगा, बट हम उसमें समझेंगे क्या, वो चीज़ हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। समझना ये है कि ये चीज़ क्यों की गई, क्या चीज़ क्यों गई। आपको मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आपके मॉप अप राउंड के अलॉटमेंट हुए थे रद्द कर दिया है, मीन्स कैंसिल कर दिया गया है। अब जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि फिर से आप इसको रिकंडक्ट करिए, 72 घंटे का समय दिया गया है, आप रिकंडक्ट करिए। उसमें 146 सीट्स ऐड होने की भी बात हुई है, एंड जो मॉपअप राउंड का ऑल इंडिया का आपका जो अलॉटमेंट हो गया था उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब उनको फिर से मॉपअप राउंड कंडक्ट करना होगा विद इन 1 वीक। जी हाँ, तो आइए हम यही समझते हैं कि ये पूरी चीज़ थी क्या और ये क्यों चीज़ होने लगी और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ क्यों पहुंची। जी हाँ, ये पूरी चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे आपके लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जो बच्चे अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या जिनको थोड़ा इशू हो रहा था, उनके लिए भी एक अच्छी चांस आ गई है उनके पास। क्यों? क्योंकि 146 सीट्स अवेलेबल हो गई हैं फिर से, एंड जो मॉपअप राउंड में जिनको आपका रजिस्टर अलॉट हो चुकी है सीट, उनके लिए थोड़ी दुविधा वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब सीट उनको फिर से मॉपअप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड फिर से एडमिशन के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी बड़ा जजमेंट क्यों दिया कि उसको मॉपअप राउंड के जितने भी अलॉटमेंट थे सबको कैंसिल करना पड़ा एंड आपकी 146 सीट्स ऐड कर दी। ठीक है, हम ये समझते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राउंड 1 और राउंड 2 जब आपका ऑल इंडिया का हुआ था, ठीक है, उसमें क्या है, 146 सीट्स आपकी मिसिंग थी। ठीक है, मिसिंग मतलब कि 146 सीट्स का जिक्र ही नहीं था। जो वो 146 सीट्स थी उसमें क्या, अब आपको जब मॉपअप राउंड आपका स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया का, उसमें आपको एडअप्ट कर दी गई। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उस पर पेटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भाई 146 सीट्स पे उनका भी हकदार बराबर का है। अगर वो कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी ये बराबर का हकदार होना, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा, समझा, तो उसमें समझ आया कि हाँ, स्टूडेंट्स की बात ठीक है। क्यों ठीक है भाई? 146 सीट्स पे और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अदर ब्रांचेस अवेल हो गई हैं, तो उनको भी चांसेस थी कि उनको वो 146 सीट्स में से भी कोई सीट्स उनको मिल सकती थी। ठीक है, इसके रिगार्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा, समझा, और उसके बाद उन्होंने अपनी फाइनल वर्डिक्ट निकाल दी। जजमेंट में क्या हुआ, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अलॉटमेंट्स हैं आपके मॉपअप के सबको खारिज कर दिया, मतलब जितने भी अलॉटमेंट्स हुए हैं आपके सबको कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब आपको फिर से विद इन 72 आवर्स आपको फिर से कंडक्ट करनी पड़ेगी स्पेशल काउंसलिंग मॉपअप की, जिसमें आपके 146 सीट्स ऐड रहेंगी एंड जो आपके स्टूडेंट्स थे राउंड 2 के, ठीक है, पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ फ्रेश स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये आपकी पूरी चीज़ 146 सीट्स के पीछे का ये कहानी थी आपकी। अब आप ये समझ लीजिए, 146 सीट्स जो आपकी थी उसमें अधिकतर आपकी DNB की सीट्स एंड आपकी MBA डिप्लोमा की सीट्स अवेलेबल थी, इसलिए कैंडिडेट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। एंड सेकेंडली, अब हम एक और इसमें पॉइंट ये आता है कि जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग को जैसे लग ही रहा है, पता चल रहा है कि काफ़ी सीट ब्लॉकेज की गई है, बहुत कैंडिडेट्स ने अपनी सीट्स रोकी हुई हैं। ठीक है, क्यों रोकी हुई है ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वही चीज़ अब सब क्लियर हो रही है, आपके सामने आ गई है। मैं बताता हूँ, 792 सीट्स ब्लॉक की गई थी। जी हाँ, 792 सीट्स ब्लॉक की गई थी। जो कैंडिडेट्स थे उनको स्टेट काउंसलिंग में उनको सीट अलॉट हो चुकी है, फिर भी वो ऑल इंडिया राउंड की सीट ब्लॉक करके बैठे हुए थे। जी, उनको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल चुकी थी, डर्मा मिली है, रेडियो मिली है, 100 बच्चों तक को रेडियो और डर्मा मिली है, फिर भी वो अपने ऑल इंडिया राउंड में सीट ब्लॉक करके बैठे हुए थे। ये चीज़ क्यों हो पाया,
अभी तक एनएमसी को क्यों नहीं पता चल पाया, क्यों? क्योंकि स्टेट की कोई भी फाइल अभी ऊपर तक नहीं पहुंची थी कि कौन से बच्चे को कौन सी सीट अलॉट हुई है। अब जब पहुंची है तो उसमें पता चल रहा है कि 792 लोग ने सीट मिलने के बावजूद भी ऑल इंडिया में सीट उन्होंने ब्लॉक करके रखी थी। जी हाँ, अब देखने वाली ये बात है कि क्या अपडेट होने वाला आ गया, क्या उन 792 बच्चों को क्या फिर से काउंसलिंग में कंडक्ट बैठना पड़ेगा, या वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से हटा दिए जाएंगे तो 792 सीट्स और एडअप होंगी क्या, क्या वो उनको स्टेट काउंसलिंग से भी जो उनको अलाउट हुए हैं कॉलेजेस, क्या उधर से भी उनको हटा दिया जाएगा, समझना अब ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी अपडेट आता है हम आपको वीडियो में शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, एंड अगर अब हम बात कर लेते हैं मॉपअप की, जो मॉपअप राउंड आपका जो कैंसिल किया गया है, ठीक है, वो आपका विद इन 1 वीक फिर से आपका स्टार्ट होना है और 1 वीक के अंदर उसको कंप्लीट भी करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो एनी अदर अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम जो भी वीडियोस लाते हैं सब अपडेटेड वीडियोस होती हैं या कोई आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत कारीगर हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।